क्या चाहिए क्या चाहिए? और चॉकलेट चाहिए। नाश्ता करना नहीं है और चॉकलेट खानी है बच्चे को। वाह भाई, अब्दुल कबीर स्कूल से आया, इसके हाथ पे ये बना हुआ है। किसने बनाया अब्दुल कबीर? ये मिस उनेजा। हुसैना नहीं, बोलो मिस उनेजा। दूसरे हाथ पे स्टार भी बना हुआ है। वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आज घर का दाल चावल भी खाने को मिल गया है। अच्छा लगता है आपको दाल चावल? हाँ, वेरी गुड। सारे दाने गिराते थे आप? अच्छा, आप तो नहीं गिराते ना दाने? वेरी गुड। अभी भी आप छोटे हो, हमारे लिए तो छोटे ही हो ना। दाल चावल हो और दाल चावल के साथ हो खीरा, आय हाय मजा आ जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको खिलाऊं दाल चावल? नहीं खाना, इसको कुछ भी नहीं खाना होता, इसको बस चॉकलेट खिला दो आप। माशाल्लाह भाई, अबू जी ले आए अब्दुल कबीर, आपका फुटबॉल में हवा डलवा दी, जबरदस्त एक और फुटबॉल आ गया भाई, बेहतरीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है, मजे में। यार आज जो है ना, मेरा दिल चाह रहा है कि कोई तफरी वाला सीन होना चाहिए, कोई नेक्स्ट लेवल का जो है ना फन वाला व्लॉग बनाएंगे हम। और वो व्लॉग ये होगा कि ये आप देख रहे हैं एक अदद रेवो गाड़ी है, और ये रेवो गाड़ी कौन चलाने वाला है आज पता है? हमारे सैयद फरहान भाई। उनको ड्राइविंग नहीं आती, ये आप लोगों को मैं पहले से बता दूं, और उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला है ड्राइविंग सीट बैठने का और रेवो चलाने का। बहुत ही कोई नेक्स्ट लेवल की तफरी आएगी, लेकिन साथ साथ जो है ना आपके भाई की हालत भी खराब हो रही है कि कहीं मार मार ना दे भाई, कोई लेने के देने ना पड़ जाए। तो व्लॉग स्टार्ट करते हैं, फुल तफरी वाला सीन है, और साथ में अपनी दुकान पर विजिट करते हैं कि काम कहां तक पहुंचा है, क्योंकि दिन ब दिन काम बहुत लेट ही होता जा रहा है यार। आ जाए भाई, दुकान के अंदर हम लोग आ गए। ये देखें, इसके ऊपर जो है ना हमारा लोगो आएगा, और इसके अंदर ये सारी लाइट्स लगी हुई है, ठीक है ना। ये लोगो मैं भी आपको नहीं दिखा रहा, सिर्फ अंदर का सीन दिखा रहा हूँ। और बाकी देखें दुकान में माशाल्लाह लाइट वाइट लग गई है सारी, जबरदस्त हो गया माशाल्लाह। फरहान भाई ड्यूटी संभालने के लिए तैयार है आप? माशाल्लाह लाइट्स का काम तकरीबन फाइनल हो गया है, देखें लाइट्स जल भी रही हैं, जबरदस्त हो गया, सारी फंक्शनल हो गई हैं। आई मीन सही है, जलने से मतलब फंक्शनल हो गई। और ये देखिए फ्रिज भी आ गया हमारा, तैयार हो गई, पूरा ऊपर का सेटअप तैयार करवाया। ठीक ठाक है, गाड़ी चलानी आज आपने, चैलेंज है आपके लिए, फर्स्ट टाइम चलाएंगे और फुल ड्रिफ्टिंग करनी है आपने, लेकिन कहीं घुसना नहीं है गाड़ी लेके मेरी, बता रहा हूँ मैं, सही है। भजन आपने सीट बेल्ट नहीं पहना, आपने देखा नहीं, आप कुछ सीखे, सबक नहीं सीखा आपने अमेरिका के सारे व्लॉग्स देखते हुए कि कितना पंक्चुअलिटी के साथ हम लोग सीट बेल्ट एहतमाम के साथ गाड़ी चलाते थे। इवन बराबर वाला बंदा भी वहाँ पे जो है, मतलब हर कंट्री में ही होता है कि बराबर वाला बंदा जो है ना, जो भी फ्रंट सीट पे बैठा होता है वो भी सीट बेल्ट पहनता है। देखे इस बच्चे को भी जो है ना हमने सही से गाड़ी चलाना सिखा दिया, ठीक है ना, इसी तरह फरहान भाई को भी इंशाल्लाह सिखा देंगे। अच्छा विली लगा रहा है, दूध की थैली अम्मी ने मंगाई नहीं, मंगाई अम्मी ने, लेकिन जो है ना ये यहाँ पे गली में विलियम आ रहा है। फरहान भाई तैयार हो जाए ड्राइविंग करने के लिए, ये देखे भाई ग्राउंड आ गया। अच्छा इसका टायर आता है 1.5 लाख रुपए का? हाँ, टायर वगैरह के खर्चे बता दें सारे इनको कि 1.5 लाख के जो है ना चार डॉलर बढ़ गए। हाँ, डेढ़ 2 लाख, अब मैं भी पढ़ लेता हूँ, बासित भाई आप भी पढ़ लें, सफर की दुआ, सारे सब्सक्राइबर पढ़ लें भाई, अल्लाह पाक खैर का मामला करे। ये देखे पूरी जो है ना गाड़ी हिल गई, रेस थोड़ी देनी थी ऐसे। देखे आपके पैर के नीचे जो है ना ये दो चीजें, एक रेस है और एक ब्रेक है, ठीक है, ठीक है, सही है। अब आपने ब्रेक को दबा के रखना है, बटन जो है ना दबाए गाड़ी बंद हो जाएगी, सही है, ठीक है। चले अब उतर जाए आप ब्रेक दबा के रखें, ठीक है, दबा दिया। और अब वो बटन नजर आ रहा है आपको? ठीक है सर, दबा दिया। वही तो नहीं दबाना था, बिल्कुल नहीं दबाना था। डी पे लेके आ गए, मुझे डर लग रहा है क्योंकि मेरी बेगम चलाती है, मुझे इतना डर नहीं लगता जितना आज लग रहा है। वाह यार माशाल्लाह, क्या बात है, टर्न करें घुमा दें। अच्छा घुमा के वापस आना होता है स्टीयरिंग, ऐसा ना हो कि पत्थर है, पत्थर है वहाँ पे, पत्थर है, यहाँ से घुमा, यहाँ से हाँ माशाल्लाह, लग नहीं रहा कि बंदा पहली बार ड्राइविंग सीट पे बैठा। ओ आगे बाइक वाला आगे दुनिया देखना चाहता। मैं भी देखना चाहता हूँ आगे दुनिया। मेरे दिल की जो धड़कन है ना यकीन करें तेज हो गई, बहुत ज्यादा तेज हो गई है, खुद ब खुद चल रही है, मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब बिल्कुल बच्चों वाला गेम है। वाह भाई वाह, जबरदस्त। हाँ आप सीधी कर ली, अब दें रेस, दें हल्की, दें दबाए 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 दबा दे नहीं दबा दे, इसकी जान निकल रही है। अरे भाई अबे भाई 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 क्या कर, अबे भाई क्या कर रहा है। स्लो मैं ये हैंडब्रेक कह दूंगा। रेवो जो है ना इनके बस की गाड़ी नहीं, इनको तो डंपर चलाना चाहिए। भाजन आपकी जॉब करा देते हैं हम डंपर में, आप डंपर चलाएं। अब आओ रिवर्स लें जरा गाड़ी, ठीक है। अरे ये क्या, इसने घेर भी लगा दिया है,
मुझे लग रहा है कोई टोपी ड्रामा है, इसको आती है गाड़ी यार। तुम कितने छुपे रस्ते में निकले यार, तुमने बताया नहीं कभी ड्राइविंग आती तुमको। गाड़ी आती थी, तुमने बताया नहीं। कितना जाना अभी ये यार, यार ये तो हमारे साथ गेम कर दिया यार इसने, गेम कर दिया इसने यार। बस अभी भैया आपका ताल्लुक कहाँ से, सही से बताएं मुझे जरा। ताल्लुक कहाँ से आप ये बताएं। नहीं भाई, ये पहली बार वाला बंदा नहीं है इसके पीछे जरूर। ये मुझे लग रहा है एक था टाइगर वाला सीन है। एक था टाइगर। सही से बता दें आपकी ड्यूटी पहले कहाँ लगी, इराक में, बगदाद में, अफगानिस्तान में, कहाँ लगी, काबुल में? अब आप जो है ना सच सच बता दें, हमें अंदाजा हो गया कि आपको ड्राइविंग आती है, आपने पहले कहाँ चलाई गाड़ी, ये बताएं। सर जब से मैं आपके साथ घुमा फिरा मेरा कुदरती दिल बढ़ गया। अच्छा, मतलब जिगरा आ गया। आप ये कहना चाह रहे हैं दिल बढ़ना यार, मतलब मेरे साथ घूमने से इतना जिगरा आ जाता मुझे पता नहीं था यार। सर आपके कहने पे बाहर निकला, पहली बार निकला उम्रे पे जब आप गए। ये तो है नहीं। वैसे मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, फरहान भाई जब उम्रे पे जा रहे थे ना, फरहान भाई ने बोला कि मुसा भाई मुझे जो ना ग्रुप के साथ आप भेजें, ठीक है। मैंने इनको मशवरा दिया, मैंने बोला नहीं फरहान भाई खुद निकलें, आप खुद सीखेंगे। अगर आप ग्रुप के साथ गए ना, आप पाबंद हो जाएंगे कि यार इस टाइम पे यहाँ जाना है, इस टाइम पे यहाँ जाना है, समझ, आजादी खत्म हो जाती है। तो मैंने बोला आजादी अपनी जगह कायम रहनी चाहिए। तो ये जो है ना, फिर इनको मैंने अकेले भेजा। सही है, तो अकेले आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वहाँ पे? अच्छा रहा है ना, हौसला आ गया ना माशाल्लाह, इतना हौसला आ गया कि वो खींच रहे हैं यहाँ पे देखें। बासित तुमने नोट किया, ये हमें घुमा रहा है अभी, ये डायरेक्ट उम्र में बात ले गया है, टॉपिक चेंज कर दिया। भाई आप बताएं कि आपने गाड़ी पहले कहाँ चलाई थी? ये बताएं। रेवो नहीं घुमा रहा, ये हमें घुमा रहा है। हमें घुमा रहा है, बताएं। भैया इतने मजे नहीं लेना, डीजल लगता है इसके अंदर। मैंने डलवाया अभी डीजल। सिर्फ मैं नहीं बैठा हूँ यहाँ पे, सब्सक्राइबर्स भी देख रहे हैं ना, कि मतलब सब देख के समझ रहे हैं कि गाड़ी पहली मरतबा नहीं चला रहा है बंदा, ठीक है। जिंदगी में पहली बार ही गाड़ी चलेगी, वो भी रेवो चलेगी? नहीं नहीं, सीरियसली पहली गाड़ी यही चलाते हैं, और क्या बोले, वो भी चला ले। यार आप लोग मानते हैं ये बात, मुझे तो नहीं समझ आ रही। अब आप लोग कमेंट में बताएं कि क्या आप लोगों को ये बात समझ आ रही है कि ये फर्स्ट टाइम ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं और रेवो चला रहे हैं। ये आप कमेंट देख लीजिएगा इस वीडियो पे, आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक, आपने गाड़ी बंद करनी है, करें बंद गाड़ी। गाड़ी बंद कहां से करनी है? वो बैटरी की तारें निकाल दो जाके। डायरेक्ट इसको बंद करूं क्या? जी बटन नजर आ रहा है आपको? नहीं दबाना था। चले भाई गाड़ी दे दे। अबे भाई कहाँ, अबे भाई कहाँ जा रहे मेरी गाड़ी लेके? फरहान भाई मेरी गाड़ी लेके भाग चुके भाई, हाथ में नहीं आ रहे। अब फरहान भाई को जो है ना हमने एक चैलेंज दिया, ठीक है। काफी सारे पत्थर रखे हुए सामने और पत्थर से टकरानी नहीं चाहिए, अगर टकरा गई तो जो है ना ये हार जाए। वो देखे, वो सामने देख रहे पत्थर आप लोग, ये देखे इसमें से निकालनी है। जी फरहान भाई तैयार है आप? माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ पहले इन दोनों के बीच में से निकाले, सीधे हाथ पे से? सही है। हाँ इन दो के बीच में से निकाले आप, ये बचत हो गई। ओए पीछे वाला टायर गया। बचत हो गई। कैसे हैं भाईजान, ठीक ठाक खैरियत से? भाई जानते हैं यहाँ पे भी सारे फॉलोअर्स हैं माशाल्लाह यार। कैसे हैं भाईजान, ठीक ठाक हैं, खैरियत से? मतलब कैमरामैन की स्किल्स देख रहे हैं ना आप लोग, कैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं सीन हम लोग ना। अबे 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 भाई भाई मैं बाहर लटका हुआ हूं। जी फरहान भाई आपस की बात है कि कैसा रहा आज फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस आपका ड्राइविंग का? पहली बार चला है लेकिन दिल खुल गया कि अब मैं चला सकूं। अब चला सकते, वैसे हमें तो लग नहीं रहा अभी तक आपने पहली बार चलाई है, लेकिन फिर भी अच्छा लगा। क्या ये सीन में हटाऊंगा नहीं, ये सीन जाएगा व्लॉग में। दोबारा बोले रीटेक। ड्राइविंग वगैरह तो सर छोड़ दें, अभी खापा वापा करा दें, भूख बहुत। अच्छा क्या खाना पसंद करेंगे आप ये? बिरयानी खाएंगे। बिरयानी खाएंगे माशाल्लाह। चलें सही, दाल चावल नहीं खाएंगे? नहीं दाल चावल से। अच्छा अच्छा भाईजान आप ये बताएं कि कहाँ की बिरयानी खानी है? कर लो बस कर लो। अरे ये बताओ कहाँ की करनी है? मिशन बिरयानी के लिए तैयार हो जाए। यानी लाइट शाइट जला दो, फुल माहौल बना दो, समझ रहे हो ना? हाँ फुल माहौल चाहिए। सब एक एक लिए? हाँ भाई पूरा मेन्यू ले आए, पूरा मेन्यू लेके आ रहे हैं, बोले एडवांस पेमेंट। वो तो सर मतलब आप देखेंगे यहाँ पे जो है ना, बंदा जानता था, उसने बड़ी रिस्पेक्ट दी, वो उसने बोला कि मुस्तफा नहीं पहले आप ऑर्डर देने से पहले सारी टेस्ट कर लें। मुझे लग रहा है ये टेस्ट में ही पेट भर लेंगे सारे के सारे। ये देखिए हलीम भी आ गई टेस्ट करने के लिए, वाइट चिकन बिरयानी भी आ गई है, ठीक है, और ये बीफ बिरयानी भी आ गई है, और चिकन बिरयानी जो नॉर्मल होती है वो भी आ गई है, ठीक है। तो अब जो है ना, वैसे मैंने तो जो है ना सिर्फ हलीम पे एक चम्मच चखना है। अरे हाय 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 हाय, ये मुझे लग रहा है नेक्स्ट लेवल का। ओहो वैसे तो मैं दाल चावल आपस की बात है खा के आया हूँ, सही है, लेकिन हम हलीम तो चखेंगे। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें भाई बीफ बिरयानी आ गई है, और ये देखें बीफ की साफ साफ बॉटी जो है ना मुझे बुला रही है, बोल रही आ जाओ मुस्तफा कुछ नहीं होता है आ जाओ। ये देखें ये जो है ना फुल माहौल बना दिया बासित भाई ने, सारा रायता जो है ना कल्टी कर दिया इसके बिरयानी के ऊपर ना। जबरदस्त। नहीं नहीं आप लोग खाएं यार, मैं जो है ना थोड़ा सा रोकता हूँ, चले यार कैमरा बंद करता हूँ, एक चम्मच ले लेता हूँ मैं। ये साफ साफ बोटी मुझे बुला रही है ना।
ये आ गया पहला निवाला आपके भाई का इस प्लेट में से। बिरयानी तो अच्छी है। ये जो है ना बिल्कुल ऑर्गेनिक ड्रिंक इन्होंने मंगवाई, ऑर्गेनिक है ना, बिल्कुल अच्छी है सेहत के लिए माशाल्लाह। जीरो कैलोरीज है माशाल्लाह माशाल्लाह। ये आप ही पिए ना जाने, बिल आप नहीं दें, छोड़ दें, बासित देगा है, बासित तुम दे दो, कोई मसला नहीं है, ये मुझे ही देना पड़ेगा। अब्दुल कबीर के लिए और मोहम्मद अहमद के लिए जो रिमोट कंट्रोल गाड़ी है ना उसके अंदर बैटरी लगती है, सेल नहीं लगती, तो यार मुझे हाथों हाथ याद आ गया भाईजान बैटरी तो पकड़ लो जरा जाके यार। ये क्या चूरन लेके आए आप? ये 150 रुपए का चूरन है, ये 200 रुपए का चूरन है, इससे हाल में जल्दी सही होता है। अच्छा, और इसमें आपका कमीशन कितना है? ये देखें, ये दोनों फारिग इंसान यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ आपके भाई की हालत टाइट हो गई वो कर करके। ये देखिए भाई मोटिवेशन आप लोगों के लिए, 2.77 किलोमीटर आप लोगों का भाई चला है और ये जो है ना सिर्फ यहाँ पे बैठे हुए थे, दोनों फारिग लोग। मुझसे भाई खाने का क्या सीन है भाई? बासित भाई को और फरहान भाई को छोड़ने के बाद अब मैं घर जा रहा हूँ और ट्रैफिक बहुत बुरी तरीके से जाम है भाई, पिछले 15 मिनट से जो है ना आपका भाई यहीं पे फंसा हुआ है। लेकिन अब्दुल कबीर और मोहम्मद अहमद आज बहुत खुश होने वाले हैं क्योंकि इनकी आरसी कार्स चलने वाली है, बैटरियां जो आ गई हैं। आज आपका भाई जल्दी फ्री होकर घर पे जा रहा है, जिस दिन मैं जल्दी फ्री होकर घर पे चला जाता हूँ ना उस दिन मुझे एक अलग ही खुशी होती है, सही, क्योंकि मुझे टाइम मिलता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकूँ, बच्चों के साथ खेल सकूँ, शुगल कर सकूँ, जो कि बहुत जरूरी है, इसे मिस नहीं करना चाहिए। साथ साथ आपका भाई ये भी सोच रहा है कि अगला ट्रिप कहाँ का होना चाहिए, बताए भाई कहाँ का होना चाहिए अगला ट्रिप। अक्सर मेरा दिल ये भी करता है कि ये रेवो गाड़ी हो, सही, और इसी रेवो गाड़ी के अंदर मैं पाकिस्तान से बाहर जाऊं। और हाँ, जो हमारी शॉप की ओपनिंग होने वाली है इंशाल्लाह इंशाल्लाह जल्दी, तो उसकी ओपनिंग के हवाले से भी हम जो है ना आपको अपडेट जरूर करेंगे, लेकिन करेंगे इंस्टाग्राम की स्टोरी के ऊपर। आपने अगर मुझे फॉलो नहीं किया हुआ तो जल्दी जल्दी मुस्तफा अनीफ 26 लिख के फॉलो कर लें ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ओपनिंग कब होने वाली है। गाड़ी चलानी है आपकी? ये देखो बैटरी आ गई, आपके लिए आया मैं। गाड़ी तो इंतजार कर रही थी 3 दिन से कि बस मुझे ऑन करो और चलाओ। ये देखिए भाई, अब ये हमने यहाँ रख दी है, ठीक है, ये देखो, वाह वाह, ये देखें, वाह 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 भाई वाह, ओहो। मैं गाड़ी में बैठी डाल। जी बेटा, अब आपकी गाड़ी की बारी है। बेटा ये आपकी गाड़ी नहीं है, भैया की गाड़ी है, ठीक है। ये देखें कितना तेज अपनी गाड़ी छोड़ के आ गया, सही है ना। अब ये देखें अब्दुल कबीर की गाड़ी चलेगी, ये आ गई भाई अब्दुल कबीर की गाड़ी, वाह विली मारी भाई, ये जबरदस्त, सही है अब्दुल कबीर, ये लो चला। मेरी पिक्चर ले रहे हो? अच्छा जी बेगम, बताएं कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं माशाल्लाह। मैंने सुना है कि आप कोई कोरियन चिकन वगैरह, मुझे ख्वाब में आई थी ना कि आप कोरियन चिकन बनाना सीख रही हैं या बनाएंगी, क्या होने वाला है, कब होने वाला है, बताएं जरा यार। आए हाय, मैंने जो है ना कोरियन चिकन खाई है शिकागो में, हमारी एक बहन है उन्होंने मुझे घर पे दावत पे बुलाया था और घर की कोरियन चिकन बहुत सारी चीजें उन्होंने बनाई थी, लेकिन उसके बाद से जो है ना मुझे क्रेविंग हो रही है। बेगम ट्राई करेंगी इंशाल्लाह और जब बेगम ट्राई करेंगी तो हम आपको व्लॉग के अंदर जरूर दिखाएंगे। और इसी के साथ थोड़ा सा फैमिली टाइम है, सही है, तो कल के व्लॉग में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।